कई लोग सोचते हैं रुपया पैसा मिल गया, सोना चांदी मिल गई, घर मकान मिल गए तो लाइफ सेट हो गई, सब कुछ मिल गया, और भगवान को भूल जाते हैं। भगवान का ना नाम लेते हैं, ना आरती करते हैं, ना भगवान का वंदन करते हैं, ना घर पर कभी पूजा पाठ कराते हैं। वो लोग भूल जाते हैं पैसे के मद में चिपचरे इस तरह चकनाचूर हो जाते हैं। ना भगवान की सुबह आरती, ना शाम को, ना रामायण, ना भगवान को जानते नहीं है, कुछ नहीं है। भगवान की पूजा वूजा तो कुछ नहीं होता, हमने कभी कुछ नहीं की, फिर भी मिली। वह भूल जाते हैं वो उनके पूर्वज ऐसा कोई पुण्य कर गए हैं या उन पर भगवान की कृपा क्यों है, वो भूल जाते हैं। सो खूब व्यवचार कर रहे हैं, उल्टा सूदा खाना खा रहे हैं, अवच्छ अवच्छ खा रहे हैं। तो साथियों जानना चाहिए कि पैसा वाला होना या धनवान होना या गाड़ी घोड़ा होना, घर मकान प्लॉट आदि होना, ये भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा वो है जो आप चैन से मस्त सो रहे हो बिना दवाई गोली के। आपने कभी कोई पाप नहीं किया, किसी के साथ कभी गलत नहीं किया, चेहरे पे मुस्कान लेकर निकल रहे हो, वह भगवान की कृपा है। जिव्या पर राम नाम रस बन रहा है, जिव्या पर कृष्ण नाम रस बन रहा है, जिव्या पर राधे राधे नाम का रस बन रहा है, वह रस आपके पेट में जा रहा है जिससे कि आपकी कभी मंद अग्नि नहीं होती, और पेट में जो अग्नि होती है वो प्रज्वलित रहती है जिससे जो भी खाते हैं सब हजम हो जाता है। धनवान होना, रुपया पैसा गाड़ी, ये कुछ नहीं है, ये तो भौतिक साधन है जो कभी भी आते जाते रहते हैं, लेकिन इनके साथ में चुपके से शरीरों में मनुष्यों की कई बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं। दूसरों को लूट कर, दूसरों की हाय बदवा लेकर, छल कपट कर, बेईमानी कर अगर आपने धन कमाया तो क्या कमाया, कुछ नहीं कर पाया, वो भगवान की कृपा नहीं है, वो तो आपके लिए जाल है। आप धन में मस्त हो जाओगे, देने लेने के व्यवहार में मस्त हो जाओगे, बीड़ी सिगरेट अउआ पौआ लगाने में मस्त हो जाओगे, आपके पाप इतने बलवान हो जाओगे, एकदम धाम से गिरोगे, ना रुपया रहेगा ना पैसा रहेगा, जैसे कोरोना काल में पन्नी में लपेट लपेट के आने में चले गए, वही हाल हो जाए। अरे जीवन के 10-20 साल 50 साल अगर तुमने मान लो गाड़ी घोड़ा में एसी की हवा में बैठ के काट ली तो इसको कुछ नहीं कहती। भगवान परमानंद धाम है, हजारों सालों में जीवन बार बार जी मिलता है। एक बार गाड़ी घोड़ा मिल गए, पता पड़े कि दूसरे जन्म में खुद ही बैल बन गए, गच्छर बन गए। कई लोग कहते हैं एक जीवन है मिला है, ये आराम करना है, खूब खा लो पी लो, बाद में क्या हुआ। तो ऐसे लोगों का फिर बाद में वही हाल होता है कि लगे एंटर गधा की जन्म मिलता है, गधा कुत्ता का जन्म मिलता है, और कुगत हो जाती है जिसका पुराणों में वर्णन है। भगवान की सृष्टि, भगवान की माया बड़ी बलवान है। थोड़ा सा दान पाकर, घर मकान पाकर कई लोग मदमस्त हाथी की तरह घमंडवाद हो जाते हैं। साधु संत ब्राह्मण गाय माता पिता गुरुओं की अनादर करने लगते हैं, जिससे उनके जीवन में आने वाला भविष्य का भूचाल उनको दिखाई नहीं देता है, और कुमार के रिश्ते पे मन से चल पड़ता है। तो साथियों कभी भी चाहे आप धनवान हो चाहे गरीब हो, उसको भगवान की कृपा से नहीं जोड़ना चाहिए। भगवान की कृपा जब है, जब आपके मन में आपके हृदय में भक्ति देवी विराजमान है, भगवान का नाम स्मरण कर रहे हो, भगवान का भाव आपके अंदर प्रकट होता है, आपके घर में आपके बालक बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता भगवान नाम का कीर्तन कर रहे हो, तो आप पे भगवान की कृपा है। धन से उसको ना जोड़ें। भगवान का कीर्तन करना है तो दिव्य नामों का संकीर्तन करें, गौरी शंकर सीताराम पार्वती माँ राधे श्याम दिव्य महामंत्र का जाप करें। गौरी शंकर सीताराम पार्वती माँ राधे श्याम, संतों की तरह अपने घर में आध घंटा बैठ के जरूर जाप करें। जरूरी नहीं है कि आप पेंट शर्ट पहने हो तो आप वो नहीं है, शरीर से आप मनुष्य हो लेकिन आत्मा अपने संतों जैसी रखो। संत की आत्मा होती हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं करती, कभी व्यवचार नहीं करती, कभी वासना में नहीं रहती,
सदा ही ईमानदारी साथ में अपना कर्म करते हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, फल सब्जी का ठेला लगा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, उसमें ईमानदारी के साथ में आगे बढ़ते चलें। अर्थ भी मिलेगा, व्यवस्था भी मिलेगी, आप अगर परिवार भी चलेगा, लेकिन अधर्म से कमाई हुई, दूसरों की हाय बद्दुआ लेकर कमाई हुई, भाई मित्रों से छल करके कमाई हुई संपदा आपके आने वाले जीवन में, भविष्य में आपको शांति नहीं देगी। ये शांति एवं आनंद पाने के लिए ईमानदारी के साथ में अपना जीवन व्यापन करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आटे में नमक के बराबर थोड़ा सा चल जाता है, लेकिन प्योर नमक भी नहीं चलता, बस ये ध्यान रखें। जोत बढ़ने पे लोगों का भला करने के लिए अगर कभी गलत भी बोलना है तो चुप रहें, लेकिन व्यर्थ में ही निंदा करने से बचें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।